परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई द्वारा हमीरपुर के चालक प्रशिक्षण हॉल में पेंशनर्स के स्थायी समाधान हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर द्वारा की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच द्वारा विक्रम ठाकुर को परिवहन मंत्री बनने पर बधाई भी दी गई। बैठक में परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई व परिवहन मंत्री से आग्रह किया गया कि मुख्यमंत्री से परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक करवाई जाए, ताकि लगभग 6,300 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या का समाधान हो सके। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई के जिलाध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स के स्थायी समाधान हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनर्स को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान पेंशनर्स की स्थायी समाधान बारे चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर से आग्रह किया गया कि मुख्यमंत्री से परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक का आयोजन किया जाए, ताकि पेंशनर्स को आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सके और उनके एक निश्चित समय अवधि में पेंशन मिल सके। तो बैठक में मेन मुद्दा तो पेंशन के स्थायी समाधान का है, क्योंकि पेंशन का स्थायी समाधान ना पूर्व सरकारें कर सकी हैं, न वर्तमान सरकार जो है वो भी अभी तक इसके बारे में कुछ ना कर सकती है। हाँ, माननीय गोविंद ठाकुर जी परिवहन मंत्री, पूर्व परिवहन मंत्री, इन्होंने समय हमें दिया था और बैठक इनके साथ हुई थी, और इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से बैठक करवाने के लिए भी हमें आश्वासन दिया था और समय मिल भी रहा था, परंतु ये कोविड-19 जो चला इसके चलते जो वो बैठक ना हो सकी। परंतु अब कल्याण मंच जो है कोशिश कर रहा है कि नए परिवहन मंत्री बने हैं श्री विक्रम ठाकुर जी, उन्हें हम इस मंच से बधाई भी देते हैं मंत्री बनने पर, और उनसे भी आस करते हैं कि वो जल्दी ही मंच की बैठक बुलाएं और वार्ता हमारे साथ करें, और जब हमारे साथ वार्ता होगी तो हम उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक करवाने के लिए समय चाहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं जैसे कि दूसरे निगम बोर्ड या दूसरे विभाग जो हैं उन्हें पेंशन हर महीने की पहली तारीख को मिलती है, हमें तो कोविड-19 के चलते तो कभी 28 तारीख को मिल रही है, कभी 29 को मिल रही है, कभी 18 को मिल रही है, कोई समय नहीं है इसका। परंतु ये हमें दे रही है सरकार, मगर समय पर ना मिलने की वजह से जो है हमारे कई लोग बुजुर्ग लोग हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, और बुढ़ापे में उन्हें जो है पैसे के लिए अपने ही पैसे के लिए अपनी पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और कल्याण मंच के माध्यम से हमें सरकार को चिताना पड़ता है और निगम को चिताना पड़ता है कि हमारी पेंशन जो है नहीं आई है, फोन करते हैं, वार्ता करते हैं, तो कहीं जाकर लास्ट डेटों को हमारे को वो पेंशन डालते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें भी दूसरे विभागों की तरह महीने की पहली तारीख को पेंशन जो है वो दी जाए, चाहे सरकार पैसों द्वारा करे, चाहे सरकारी खजाने से करे, जैसा भी हो सकता है सरकार कुछ भी कर सकती है।